सो ऊपर डैम में एंट्री नहीं दे रहे वहाँ पे फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। लास्ट व्लॉग में बोला था कि हम लोग एक सोलो राइड पे जाने का प्लान करें, तो उसका प्लान बन चुका है। सो खुशी देख रहे हो चेहरे पे, सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो नियरली आफ्टर 6 to 8 months में कोई सोलो शॉर्ट राइड पे जा रहा हूँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, बट खुशी से फुदक फुदक के बाहर आ रही है। हेलमेट ग्लव्स वगैरह लास्ट 6 महीने से हाथ तक नहीं लगा और मुझे तो पता भी नहीं वो कहाँ है, तो भाई सबसे पहले वो सब ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये वाले कबर्ड में ही है मेरे ग्लव्स, बट अभी कहाँ है सब खोल के निकालना पड़ेगा, तो भाई ये ढूंढते हैं। हाँ भाई, सो मेरा जो अंदाज़ा था वो सही था कि ये वाले कबर्ड में ही थे मेरे राइडिंग ग्लव्स, और हेलमेट जो है वो मैंने सेफली ऐसे पैक कर दिया था थोड़े दिनों पहले। सो ये वाला जो भी है गेयर वेयर वगैरह सब एक पैक करते हैं, पैकिंग से दिए तो बैग में डालना है, और शॉर्ट राइड है तो ज़्यादा कुछ सामान है, व्लॉगिंग वगैरह का सामान होगा, सो ये सब एक बैग में रखते हैं भाई। सो व्लॉगिंग का जो सामान है वो बैग में आ गया, ये मेरे ग्लव्स और ये मेरे हेलमेट, एवरी थिंग इज़ ऑल सेट। तो अभी एक काम करते हैं, सोते और आप लोग को मिलते हैं कल सुबह। सो इट्स 9:45 इन द मॉर्निंग, एक्चुअली वी आर सपोज टू लीव बाई 9, बट बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो एक काम करते हैं, ये सब ताम झाम बैग में डालते हैं, GoPro कनेक्ट करते हैं और आप लोग को मिलते सीधा गाड़ी पे। ऑल राइट गाइस, सो एवरीथिंग इज सेट, अभी निकलते हैं। ज़्यादा लंबी राइड नहीं है भाई, ऑलमोस्ट लाइक 50 किलोमीटर्स बैक है, एंड वी आर गोइंग ऑन सम लोकेशन जो कि आप लोग को रास्ते में बताता हूँ, पता चल ही जाएगा यार इसको क्या हो गया। यार सो वी आर लीविंग, और ये इतना क्यों हो रहा है भाई, इसको क्या हो रहा है यार। चल भाई चल, इसको कोल्ड स्टार्ट करके रखना पड़ेगा। हाँ तो गाइस वी आर लीविंग, थोड़ा बहुत इसको डॉच करते हैं और फिर मिलते हैं। ट्रैफिक प्रो मैक्स भाई, ट्रैफिक प्रो मैक्स भाई, बहुत ट्रैफिक है यार। 34 मिनट दिखा रहा है, क्या हो रहा है, इतना ट्रैफिक क्यों है भाई, साला ये कहाँ फंस गया यार, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। सोचा था इज्जत में मोटर लॉक करेंगे, खाली रोड मिलेगा, यहाँ ट्रैफिक से ऊपर नहीं आ रहे कि जा पाए यार, तो इतने टाइम बाहर राइड कर रहे ऊपर ये सब भाई, आगे तक ट्रैफिक है। हालांकि जो जैकेट पहना है इसके अंदर गर्मी घुस गई और हाथ में भी गर्म हो रहा है यार, बहुत ट्रैफिक है भाई। तो भाई वी आर एट विराटपाटा, अभी यहाँ से कुछ 10 मिनट यहाँ से और दिखा रहा है, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग गया था, इसके लिए टाइम लग गया ऑल्दो, बट ठीक है पहुँच जाएंगे अभी 10 मिनट में। भाई बीच में तो भटक गए थे, 2 मैप्स देखने रुकना पड़ा, फिर याद आया ये कच्चे रास्ते से हमें, रास्ता भी बहुत ख़राब है भाई, बट और 10 मिनट दिखा रहा है यार इधर, आज पहुंचने में ही बहुत दिक्कत हो रही है, सोलो राइड के दिन ही प्रॉब्लम भाई। भाई खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग हो रही है यार इधर, क्या हो रहा है यार, लोकेशन क्यों नहीं मिल रही, कितना स्ट्रगल भाई, स्ट्रगल इज रियल। भाई आज मैप्स नहीं होते ना तो मैं पक्का घूम जाता, एक ही एरिया में 3-4 बार घूमना पड़ा, खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग भी है। ओके सो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले ये सुन लो, मैंने राइड प्लान की थी कि मैं पेलाड एंट्रो जाऊंगा जो कि 25 किलोमीटर्स है, 50 किलोमीटर्स रिटर्न, और जाके आ जाऊंगा शॉर्ट एंड सिंपल राइड, वहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा चिल करके, रिटर्न में कुछ खा के घर आ जाऊंगा। बट मैंने गूगल पे चेक किया था कि वहाँ पे एंट्री अलाउड है या नहीं, तो उस पर क्लियर लिखा था कि एंट्री अलाउड नहीं है, बट उसके कुछ कुछ नीचे 5 मंथ्स अगो में लोगों ने लिखा था कि एंट्री अलाउड है, वहाँ से एक रास्ता है, वहाँ से जाने देते हैं। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ था, बट एज सून एज आई रीच वहाँ पे रास्ता नहीं था, और कितना रास्ता ढूंढने के बाद भी अलाउ ही नहीं कर रहे थे ऊपर जाने को, एंड वहाँ पे मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, एकदम इरीटेट सा होने लगा था, क्योंकि कब से मैं भटक रहा था वो एरिया में। एंड देन मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दो, फिर आई लेफ्ट फ्रॉम देयर, और अभी आगे का व्लॉग देखो। सो ऊपर डैम में एंट्री नहीं दे रहे वहाँ पे फॉर सम रीज़न, पता नहीं क्यों, हम लोग इतना यहाँ तक आए, रास्ता वास्ता ढूंढा, फिर भी
एंट्री नहीं मिला अभी, देखते कहीं पे तो चलते, मूड पूरा खराब हो गया यार भाई। सो प्लान फ्लॉप होने के बाद वी आर इन दिस मैकडॉनल्ड्स नाउ, विरार वाले ही। चलो सो अभी विरार वाले मैकडॉनल्ड्स में एक्चुअली प्लान फ्लॉप हो गया, उसका रीज़न मैं आप लोग को घर पे जाके बताता हूँ, तब तक आप ये वाले व्यू का टाइम लैप्स एंजॉय कर सकते हैं। बिल्डिंग राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 1:30, घर जाते हैं फ्रेश होके आप लोगों से मिलते हैं। घर आया और काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था तो भाई मैं सो गया था फुल ऑन, 3-4 घंटे मस्त नींद निकाल ली है। अभी उठाऊँ तो एक काम करते हैं, एक अच्छे लोकेशन पे पहुँच के बात करते हैं। पहले मेरा प्लान था वहाँ पे जाके बात करने का, बट आई गेस वहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है इसकी वजह से यहाँ पे ये बंद किया हुआ है, तो एक काम करते हैं कोई और लोकेशन ढूंढते हैं, यार आज का दिन ही ख़राब है भाई। तो अगर आज के राइड की बात करें तो मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी कि मैंने लोकेशन चेक किया था, उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पे एंट्री नहीं है बट एक और रास्ता है जहाँ से अलाउ करते, बट स्टिल मैंने वो चीज़ पे बिलीव कर लिया और मैं चले गया, बट मुझे एंट्री नहीं मिली वहाँ पे। और अगले बार से वो भी है कि मैं लोकेशन देख के जाऊँगा और फिर ही वहाँ पे जाऊँगा, वरना तो फिर ऐसे ही पोपट होते रहेगा। बट चलो कोई नहीं, गलती से ही तो सीखते हैं भाई। तो आज के राइड के बाद मुझे एक और चीज़ पता चली है कि मैं राइडिंग में ज़्यादा ब्रेक्स अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे राइडिंग पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है वो चीज़। सो वंस अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ एक बार तो राइड करना पड़ेगा, ताकि वो अपने राइडिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और कंटेंट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है यार। पर कुछ भी बोलो, आज अपनी SSC ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया आज की राइड में और काफ़ी ज़्यादा साथ भी दिया है। बहुत हो गई ज्ञान की बात है, अभी सीधा चलते घर, बहुत लेट हो गया है। ऑलराइट गाइस, सो राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 9:30 इन द इवनिंग एंड इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। आज का डे मतलब काफ़ी ज़्यादा अनफेवरेबल रहा, मतलब राइड वाइड तो हो गया बट ठीक है, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा कम, बट चलो कोई नहीं, ये दिस इज़ लाइफ। राइडिंग करना कंटिन्यूसली स्टार्ट करेंगे, सो इफ यू लाइक दिस व्लॉग फॉर व्हाटएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय, आओ जो। YouTube was like